कुवैत हादसे में मारे गए सभी भारतीयों के शव हिंदुस्तान लाए जा चुके हैं। इनमें से 3 यूपी के रहने वाले थे। सभी के शवों को उनके घर पहुंचाया जाएगा, जहां कल सुबह उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुवैत में 45 भारतीयों की मौत ने पूरे देश को सन्न कर दिया। जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो हिल गया। कुवैत से 45 भारतीयों के शव लेकर वायुसेना का विशेष विमान केरल के कोच्चि पहुंचा। वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से 45 भारतीयों के शव केरल के कोच्चि लाए गए। इस विमान में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी मौजूद थे। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल ही कुवैत पहुंच गए थे, जिसके बाद उन्होंने कुवैत के अधिकारियों से तेजी से शव ले जाने के मुद्दे पर बात की। मृतकों में सबसे ज्यादा 24 केरल, 5 तमिलनाडु, यूपी के 3, बिहार के 2 और झारखंड का 1 निवासी शामिल है। कुवैत में हुए अग्निकांड में यूपी के जिन 3 लोगों की मौत हुई है, उसमें गोरखपुर के 2 युवक भी शामिल हैं। गुलरिया के रहने वाले जयराम गुप्ता और जटेपुर के रहने वाले अंगद गुप्ता की मौत हुई है। अंगद गुप्ता लगभग 9 वर्ष पूर्व कुवैत गए थे और वहां पर एक प्राइवेट कंपनी में कैशियर का काम करते थे। एम्बेसी से फोन कॉल के जरिए उन्हें अंगद की मौत के बारे में पता चला। तभी से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार की खुशी के कारण कुवैत कमाने गए अंगद गुप्ता का परिवार इस वक्त हमारे साथ है। कुवैत में जो दर्दनाक दुर्घटना हुई उसमें अंगद गुप्ता की भी मृत्यु हो गई है और अब उनकी बॉडी वहां से लाने की प्रक्रिया चल रही है। कल वो बॉडी गोरखपुर पहुँच जाने की उम्मीद है। उनकी पत्नी, 2 बच्चे और 1 बेटी है। परिवार के अन्य लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। मंगलवार को बात हुई थी, शाम को भी मंगलवार को ही बात हुई थी। क्या कुछ कहा था? कुछ नहीं कहे, बस घर परिवार के बारे में बात कर रहे थे। पढ़ाई, इसके पढ़ाई बारे में, इसका एडमिशन होने वाला है, कब होगा एडमिशन, इसका एडमिशन हो चुका है, ये मतलब फार्म भर रही है, इसका कुछ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, ग्रेजुएशन कर लिए। बस हम यही चाह रहे हैं मेरे बच्चों का जो पालन पोषण है वो पूरा हो और पढ़ाई वढ़ाई जो चल रहा है वो भी हो, और मेरी लड़की ग्रेजुएशन कर ली है उसको कृपया एक नौकरी अच्छी दी जाए। पापा चाहते थे कि हम पढ़ लिख के अच्छे से सक्सेस अचीव कर लें। वो हमेशा बोलते थे पढ़ाई ध्यान दो, फ्यूचर ब्राइट करो और गोल अचीव करो अपना, और जब भी पैसे की जरूरत हो तो हमसे बात करो। पूछ रहे थे पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है और घर जो बन रहा है वो कहाँ तक हुआ है, कितना बाकी है, ये सब पूछ रहे थे। तो पापा का सपना पूरा करो? जी, वो चाह रहे थे हम सब अच्छे से पढ़ लिख कर सक्सेसफुल हो जाए ताकि घर परिवार देख सकें। कुवैत के मंगाफ शहर की एक बिल्डिंग में 12 जून को लगी आग में कुल 49 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें से 48 शवों की डीएनए टेस्ट के जरिए पहचान की गई है, जिसमें 45 भारतीय निकले, जबकि 3 फिलीपींस के हैं। शवों के साथ कुवैत से भारत लौटे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिनके अपनों ने हादसे में जान गंवाई। मामले की सूचना मिलते ही पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने हमें तत्काल कुवैत जाकर भारतीयों के इलाज और शवों को देश वापस लाने की तैयारियों का मुआयना करने को कहा। कुवैत के अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया में हमारा साथ दिया। भारतीयों के शवों को एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने और इन्हें परिजनों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। शव की पहचान के लिए ताबूत पर मरने वाले व्यक्ति की तस्वीर लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खबर नोएडा से, जहां पर एक्सप्रेसवे पर चलते ट्रक में आग लग गई। इस घटना में ट्रक जलकर राख हो गया। सेक्टर 135 एक्सप्रेसवे की यह घटना है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा से, जहां पर इस ट्रक में अचानक से आग लग गया, जिसके बाद दमकल कर्मियों को सूचना दी गई, आग पर काबू पाया गया। लेकिन इन सबके बीच राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि इस अग्निकांड में नहीं हुई है। उधर सहारनपुर में बजरी से भरा एक ट्रक ट्रांसफार्मर से टकरा गया। ट्रांसफार्मर में टकराने के चलते ट्रक में आग लग गई।
गनीमत रही कि ट्रक सवार तीन लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी, जिसके चलते हादसा हुआ। आग लगने से ट्रक पूरी तरीके से जल गया। आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थाना फतेहपुर क्षेत्र के कलसिया रोड की यह घटना है। सहारनपुर में लकड़ी के बुरादे के कारखाने में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। थाना मंडी इलाके की यह घटना है। आगरा में आवास विकास परिषद की ओर से आवासीय जगहों पर अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माणों पर कार्रवाई लगातार जारी है। दो दिनों में सीलिंग की कार्रवाई यहां पर की जा चुकी है 18 जगहों पर। तीसरे दिन यमुना पार इलाके में टीम सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई है और अभी भी इस कार्रवाई को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। हम लोग पिछले 3 दिन से अभियान चला रहे हैं। हमने 11 तारीख को एक अभियान चलाया था, जिसमें 5 अवैध जो निर्माण थे, जो आवासी से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थी, उस पर हम लोगों ने सीलिंग किया। और फिर 12 तारीख को हम लोगों ने 13 प्रॉपर्टी को सील किया था और सिकंदरा में, और कल हम लोगों ने कमला नगर में 5 जो प्रॉपर्टियां सील किए हैं और एक हॉस्पिटल को एक नोटिस चस्पा किया है। और आज भी हम लोग ट्रांसयमुना में एक अभियान चला रहे हैं। सोनभद्र में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग ऑटो में सवार होकर नगर उंटारी रेलवे स्टेशन से शक्तिपुंज एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए निकले थे। उन्हें गुजरात के जामनगर जाना था, तभी सोनभद्र से सटे झारखंड इलाके में यह हादसा हुआ। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे 58 पर रोडवेज बस पलट गई और इस हादसे में बस में सवार दर्जनों यात्री बाल बाल बचे। हादसे में 2 यात्री चोट लगने से घायल हो गए। रोडवेज बस देहरादून से दिल्ली जा रही थी। मंसूरपुर थाना क्षेत्र में हादसा हुआ। कानपुर में गर्मी का तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। फल मंडी, सब्जी मंडी और जूस की दुकानों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो तापमान रोजाना दोपहर तक 46 से 47 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 से 4 दिन बाद ही राहत मिलने की उम्मीद है। नौ तपस समाप्त होने के बाद भी गर्मी खत्म नहीं हो रही है। आसमान से आग बरस रही है और धरती तप रही है, और ऐसे में न्यूज 18 की टीम इस वक्त शारदा नगर में खड़ी है, जो सबसे बड़ी फल मंडी आप देख सकते हैं। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, पूरी फल मंडी खाली पड़ी है। यहां 250 से ज्यादा दुकानें, मगर ग्राहक के नाम पर एक भी ग्राहक इन दुकानों पर नहीं खड़ा है। इससे समझा जा सकता है गर्मी का कितना असर है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं और ऐसे में सिर्फ पेयजल यानी जूस, गन्ने का रस, मक्कू लेके लोग जा रहे हैं। और तो अगर गन्ने की दुकान की बात की जाए तो लोग गर्मी से राहत के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और ऐसे में एक गन्ने की दुकान पर हम खड़े हैं जहाँ मिक्स फ्रूट हर तरह का मिलता है। कितनी गर्मी है भैया? बहुत। तो गन्ने का रस पीने आए हो? हाँ। तो थोड़ा राहत मिल रही है गन्ने का रस पीने से? राहत मिल रही। सर गर्मी कितनी है सर? बहुत गर्मी सर, बहुत गर्मी है। इस बार सबसे ज्यादा गर्मी लग रही है? बिल्कुल गर्मी लग रही है सर, बहुत। सर बताइए कितना कोई चीज नहीं बिक रहा है इस समय, धूप की वजह से। आप देख सकते हैं कि दुकानदार का भी कहना है कि धूप से, और ऐसे में देखिए गन्ने का, हमने भी गन्ने का रस पिलाई है आप से, तो गन्ने का रस पीने से थोड़ी बहुत तो राहत आदमी को मिल ही रही है। और लोग इस चीज़ का एहसास कर रहे हैं कि लोगों को किसी न इस गर्मी से राहत मिले। हम भी देखिए जूस पीने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि क्या राहत मिलती है कि नहीं। वाकई जूस पीने से थोड़ी बहुत तो राहत मिल रही है, और ऐसे में डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं कि वही लोग घरों से बाहर निकले जिन्हें बहुत जरूरी काम है, और एहतियात जरूर बरते हुए। जनाब आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर।
और इस बीच योगी सरकार ने गर्मी से परेशान बच्चों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। यूपी के सरकारी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ गई हैं। गर्मी की छुट्टियां 28 जून तक बढ़ गई हैं। मतलब ये कि 8वीं तक के स्कूल 28 जून तक बंद रहेंगे। बेसिक शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने आदेश जारी किया है। पहले 18 जून से स्कूल खुलने थे। शिक्षक संगठनों ने छुट्टी बढ़ाने की मांग की थी। इस पर योगी सरकार ने मांग मान ली। अलीगढ़ से खबर है जहां पर दरोगा ताहिर अहमद रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हुआ। कागज में लिपटे रुपए जेब में रखते दिखाई दिया दरोगा। 20,000 रुपए की रिश्वत लेने का उस पर आरोप लगा है। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके का यह मामला है। छेड़खानी की शिकायत के बाद समझौते की मंजूरी के लिए उसने रकम की मांग की थी। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र का यह मामला है। खबर हाथरस से जहां पर ओवरब्रिज के नीचे एक शख्स का शव मिलने से सनसनी मच गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोली मारकर हत्या किए जाने की आशंका है। मृतक का नाम योगेश उपाध्याय है जो राशन डीलर है। हाथरस जंक्शन में धौलपुर की घटना। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है।